गाइस नमस्ते, राम राम, जय माता दी। कैसे हो? ठीक हो? ठीक ही होना चाहिए। अभी हो गया सुबह का टाइम। मुझे ना एक भाई साहब पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ऐसे। तू भी हंसा है? कदम ना हंसा था। सो गाइस अभी कर लेते हैं हम छोटी। हम तो ना घर से ही सब धो के आए थे, उसके बाद यहाँ पे धोया ही नहीं है। यहाँ का पानी भी ऐसा है, चिप चिप होती है, मतलब मुंह पे। आज का चौथा दिन नहीं आए हुए। ठंड भी, ठंडा मौसम है, और फिर भी यहाँ के लोग ना काली है। ऐसे कहते हैं ना कि ठंडे मौसम में जाओगे तो गुरा हो जाता है बंदा। तो यहाँ के लोग तो जो मौसम है अच्छा है मौसम तो, और फिर भी पर हमारा मुंह रुखा रुखा सा हो गया। आप बोल के जितने बोलोगे ना, मतलब जो भी। अभी कर लेते हैं गाइस छोटी, फिर करने जा रहे हैं नाश्ता। वो खाओगे इडला? इडली 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 है, इडली नहीं है, इडली है वही सफेद सफेद गोल गोल होती है। आज ना उसको अच्छी तरह झाड़ फूँक छोड़ देंगे हम, आज पता करके ही जाएंगे कि किससे बनती है। चावल से होता तो अंडा सही है, तो देखेंगे आज वो, पता करेंगे क्या है, क्या चीज है इसके अंदर, किससे बनती है। सो गाइस चोटी तो कर ली है, आप देख सकते हो चोटी अच्छी हुई है बट इतनी खास भी नहीं, लेकिन कर लिया। अभी हम खाना खाने जाएंगे, और ना ये जो आधी बाजू की टी शर्ट थी ना, ये क्या कहते हैं इसको, ये बाजू ढकने के लिए लगा, ताकि काली ना हो जाए, इसलिए क्या बाहर ना धूप बहुत है। बाकी हम बाहर धूप में नहीं जा रहे, इसी होटल के नीचे रेस्टोरेंट है, वहीं जा रहे हैं। आ जाओ चलते हैं। प्रियंका जी, प्रियंका आ जा, आ जा। सो गाइस ये दूसरा रूम है, देखो ये भाई और भाई, बड़े भाई का रूम है ये। चलो चलते हैं। मैंने ना ये कैप ले लिया है, अगर धूप लगी तो उड़ लूंगी ऐसे, और किसी को नहीं दूंगी। आ जाओ गाइस, फॉलो मी। सो गाइस आ गए हम खाना खाने यहाँ पे। अभी देख रहे हैं कि क्या लेना है क्या नहीं। ये सांबर 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 समझ में नहीं आ रही है क्या बोल रही। भैया क्या क्या है? इडली वड़ा है, डोसा है, आने डोसा, प्लेन डोसा, घी डोसा, घी मसाला, घी मसाला, पेपर मसाला, पेपर प्लेन, इडली वड़ा, पूरी पल्ले बड़ी। हमारे पल्ले पड़ती है जी। देखो आपको पता ही होगा, बैंगन का भरता है, कल बोला था भिंडी भरमा। देखो ऐसे ऐसी चीजें गाइस। ये पोंगल आ गए हैं, पोंगल खा रहे मारा तो उरा चावल कह दिया करे, पर उरा तो नाम ही छोड़ांगे अलग अलग है। जिसको ना हमारे उधर जिसको खिचड़ी कहते हैं ना, ये लोग पोंगल कहते हैं, इसको बोल रहे थे पोंगल। काली मिर्च पर टेस्टी मरना पड़ेगा, खा के देख। ये चटनी है, तू भी खा के देख, टेस्टी है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका भी नहीं रहेगा, छोरी थी गाली थी। एक नंबर का बन गया, डोसा है, हाँ, ये घी मसाला डोसा, अच्छा भाई पोंगल बहुत अच्छा है। ये ऑर्डर कर दो, पोंगल एक ये इतना खास कोई फर्स्ट टाइम खा रहे हैं गाइस। ये है इडली सांभर, सांभर सांभर देखिए, ये बड़ा है और वो इडली है। देख लो गाइस, खा लो। कौन ये है इडली सांभर? मेरा को तो देख के ही पेट भर गया इसको, मैं तो यही खाऊंगी, और एक खिचड़ी का बनवा रही हूँ मैं भाई, खाओ यार अच्छा। और उधर मैडम बैठी है, वो हमें देख देख के हंस रही है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही ना गाइस। ये तो भूल ही गए, तो केले का पत्ता पे दे रहे हैं। ये क्या था? ये डोसा, डोसा ये देखो, और ये भाई खिचड़ी खा रहे हैं भाई, कोई आराम से नहीं खाते। ये तो बिल्कुल ही नहीं कितना खा रहा है ये, बरकत है करना। ये तो सारा ही खा गया ना, थोड़ा सा ही था ये, खा ये तूने मंगवाया ना, ये ना वाइट वाइट देखी हुई है मैंने फिल्म में, अलग ही इडली इडली इडली। ये सिस्टर आ गई है, लग रहा है लड़का, हम ये रखेंगे। कल के तो हम भी इसको लड़का ही समझ रहे थे, जब ये मेरी तरफ देख के हंस रहा था, नहीं वहाँ देख बदतमीज भी इस तरह सा कैसे देख रहा है, लेकिन ये लड़की है, लड़का नहीं है। हम इसको भैया भैया बोल रहे थे, तब भी ये हंस रही थी, इनको समझ आता ही नहीं है ये क्या बोल रही है, कि मैं भैया नहीं भैया नू। सो
गाइस आप देख सकते हो ये इडली और ये बचा और बाकी सारा ये इसमें इडली सांबर और डोसा ना ये इडली सांबर और क्या बोलते हैं यार उसको ये गोल गोल रह के बड़ा बड़ा इडली बड़ा इडली बड़ा बच गया बस बड़ा वाला नहीं है ये गोल गोल में करके उसमें उंगलियां फंसा के ऐसे राउंड राउंड शेप दे रखी है देख लो है और हम सारे के सारे ये खा गए बालूशाही है भैया सीधी सी बात है ये तिक्खी बालूशाही तिक्खी बालूशाही सही बात है बालूशाही की जैसे ही है और ये जो नारियल की चटनी है ना ये किसी ने नहीं खाई देखो बाकी टेस्टी लग रही थी पर खाई किसी ने नहीं। एक बात बता देती हूँ गाइस पूजा नाई हुई है और ये मंजीत भाई बड़े वाला नाया है बाकी हमारे में से किन्नों में से कोई नहीं नाया हम पैसे चार दिन हमें हो गए भाई चार दिन मैं ना मैं तो कल नाई थी मैं तो कल नाई थी इस तरह निकल नाई थी मैं बाकी नाई की लागत होनी कोई बात नहीं गाइस मैं साफ कर दूंगी इससे लगे ये नाये नहीं है मुंह भी नहीं धो के आई है तो बस गाइस ये आ गई है कोल्ड कॉफी अभी हम कोल्ड कॉफी पियेंगे और ये भैया चाय पी रहे हैं इसको चाय पीने की आदत बहुत ज्यादा है ये कोल्ड कॉफी को सूंघते तक नहीं है ये भैया कोल्ड कॉफी को ऐसे भी नहीं सूंघते पर हम पी लेते हैं अच्छी लग रहा है मैंने तो आप पहली बार पी है कल मंजीत तो हर जगह पे जाता था तो पीता था लेकिन मैं नहीं पीती थी पहली बार ही पी है मैंने तो कल अब मैं कहीं पे भी जाया करूंगी तो ऐसे करा करूंगी कोल्ड कॉफी हमारा इसने कह दिया है दूध चॉकलेटी दूध है अंग्रेजी में नाम चेंज कर देते हैं बस थोड़ा मतलब नॉलेज से बोलना तमीज से ये तमीज ही है कोल्ड कॉफी यहाँ तो गाली भी देते होंगे तो बड़ा नहीं इस तरह कहते होंगे आराम ज्यादा जी इधर आइए बन गई बात ये देखो कितना अच्छा स्वागत कर रहे हैं गुलाब के फूल भी डाल रखे हैं पानी में पर ये नहीं तो मजा है ये मोर है क्या मुर्गा देखो गाइस कुकड़ू कू मिल गया इसमें हीरे की वो है पोटली हीरे की पोटली है अब फिर हेरा फेरी में क्या करा कुकड़ू कू में हीरे है हीरे की पोटली 10 करोड़ रुपए का है ये इसका तो मूड खराब हो जाए दवाइया और बांस आ रहा देख ठीक तो गला बर्फ खान ला रहा देख बर्फ तो बर्फ वाला ही खा लेंदा खा रहा है अच्छा लग रहा है बिल्कुल ही पेट नहीं भरता मैं हल्का खाना खाती हूँ जो घंटे डेढ़ घंटे में लगी रहती है सारा दिन लगी रहती है अपना फोन है ना जेब में डाल मेरा ब्लॉग शूट अच्छे से कर ले वरना ना ये दिख रहा है यहाँ से मुँह लपेट दूंगी चल मेरी वीडियो बना वरना यही पे तेंगू पे छिदवाऊंगी यहाँ देखो क्या लिख रखा है समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या लिख रखा है आया तेरे को समझ किसी को आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सी गाड़ी है यार होंडा सिटी गाड़ी देखो कितनी सुंदर है आओ अंकल जी वहाँ काम खा कह दो तो हम तो समझ को नहीं आती देख मैंने कहा अंकल जी खाओगे खाओ बेटा इसको हिंदी समझ में आती है आपको हिंदी समझ आती है समझा है हिंदी आता है पूरा आता है तुम आपने जो बोला मैं समझा मैं उनको बता रहा है उन्होंने नको मना कर रहा है तुम वैसा बोता ही नहीं बोलते ये बोल रहा था कि यहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती है हिंदी आता है नॉलेज आता है हिंदी इंग्लिश स्कूल में है हिंदी स्कूल में हिंदी है नहीं स्कूल में हिंदी है इधर भी लेकिन जैसा बात सबको आता नहीं ज्यादा मतलब लेते नहीं खाली हिंदी बोलेगा तो खाली उसका क्या है उसका ये
भाई ज्यादा नहीं आया तुझे पास करवा पाए, इसीलिए बोल रही थे ज्यादा पढ़ना नहीं भाई, कोई नहीं पढ़ता इंग्लिश आनी चाहिए भाई। मैं आपको बोल रही थी ना जब धूप हो जाएगी तो मैं टोपी डाल लूंगी, मैंने कहा इसीलिए डाल रखे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो गई है। आधा कोई सड़क है हम ना मैसूर के पास में ही है आस पास के, मुझे भी नहीं पता ये हम कहाँ हैं, पर हैं मजे कर रहे हैं भाई, आज चिल मार रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। और बहन किसकी है फिर, चुप चुप के क्यों देख रहे थे आप? भाई आगे पूछ लेते आप वही हो के नहीं हो, पूछना चाहिए था ना। चलो हेलो हाय बोल दो, कह दो वीडियो लाइक कर देना, लाइक कर देना, हाँ कर देना। गाइस अभी हम जा रहे हैं रूम में, ड्रेस चेंज करेंगे फिर हम घूमने जाएंगे यहाँ मैसूर में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मेंशन कर देना।